हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू लेसन लेकर आई हूँ, जो कि है हमारे क्लास वन की इंग्लिश बुक से। और लेसन का हमारा नाम है द ग्रीडी डॉग। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी किसी रिक्वेस्टेड लेसन पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं, तो मेरे इस ईमेल एड्रेस पे अपने उस लेसन का पीडीएफ या फोटो लेकर मुझे सेंड करें, मैं वो वीडियो लेकर जल्द आऊंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बढ़ते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी का मतलब आप सभी जानते हैं, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, जिसके मन में बहुत लालच भरी हो, जो कि थोड़ी सी चीज़ में कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है। तो चलिए लेसन को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और समझते हैं हिंदी में। वन डे अ डॉग सॉ अ पीस ऑफ मीट इन अ शॉप। एक बार की बात है, एक डॉगी था जो कि बहुत ही ग्रीडी था। एक दिन उसे एक मीट के शॉप में एक मीट का टुकड़ा नज़र आया। ही वॉज वेरी हंग्री। वो डॉगी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ही टुक इट इन हिज माउथ एंड स्टार्टेड रनिंग होम। वो उस दुकान पर गया और उस मीट के टुकड़े को अपने मुंह में दबाया और अपने घर की ओर दौड़ने लगा। द शॉपकीपर रैन आफ्टर हिम। ऐसा करते हुए उस कुत्ते को देखते ही जो दुकानदार था, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, वो उसके पीछे दौड़ता हुआ गया। बट कुड नॉट कैच हिम। पर बेचारा शॉपकीपर उस डॉगी को पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया। चलिए नेक्स्ट पैरा को पढ़ते हैं और समझते हैं। द डॉग हैड टू क्रॉस अ रिवर। जब डॉग अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसे एक नदी को क्रॉस करना रहता था। तो उस डॉगी को अब ये रिवर क्रॉस करनी थी। आइए देखते हैं क्या होता है। There was a bridge over the river. इस रिवर के एक छोर से दूसरी ओर जाने तक के लिए एक ब्रिज बनी हुई थी। ब्रिज यानी एक पुल, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। The bridge was low. ब्रिज जो था वो बहुत छोटा सा था। लो यानी कि पानी की सतह से ज़्यादा ऊपर नहीं था, जरा सा ही डिफरेंस था उसमें और पानी में। As he looked down into the water, he saw his reflection. जैसे ही वो डॉगी रिवर क्रॉस कर रहा था, अचानक से उसकी नज़र पानी की ओर पड़ी। जैसे ही उसने पानी की ओर देखा, उसे अपना एक रिफ्लेक्शन नज़र आया। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप मिरर के सामने जब जाकर खड़े होते हैं, तो आप अपने आप को देख पाते हो, या फिर किसी बाल्टी में पानी रहती है, या कहीं नदी के पास आप जा रहे हो तो पानी में आपकी परछाई दिखती है। उसी प्रकार इस डॉगी को भी अपना रिफ्लेक्शन यानी अपना परछाई उसको उस पानी में दिखा, और उसे ऐसा लगा कि उस पानी में भी कोई डॉगी है। डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आपको इजीली ये लेसन समझ में आए, इसलिए चलिए ये मीनिंग भी मैं आपको समझा देती हूँ। मीट। मीट का मतलब होता है द फ्लैश ऑफ एन एनिमल ईटन एज फूड। मीट यानी किसी जानवर के जो शरीर का जो भाग होता है, जिसको कि लोग खाते हैं। जैसे कि आप चिकन खाते होंगे, तो वो एक चिकन का बॉडी का पार्ट है, जिसको कि हम एज अ फूड लेते हैं। रिवर, अ नेचुरल बॉडी ऑफ फ्लोइंग वाटर। एक गुजरता हुआ नेचुरल पानी का सोर्स। रिफ्लेक्शन, एन इमेज, जैसे कि किसी की परछाई हो। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्टैंजा। ही थॉट दैट देयर वॉज अनदर डॉग इन द वाटर। जैसे ही वो डॉगी पानी में अपने इमेज को देखता है, उसे लगता है कि वहाँ कोई दूसरा डॉगी है।
He thought the other dog's piece of meat looked bigger. जब वो अपनी परछाई को देखता है पानी में, उसे लगता है कि वहाँ भी जो डॉग है उसने भी मुंह में एक मीट का टुकड़ा पकड़ा है, और वो मीट का टुकड़ा उसे अपने मुंह में मीट के टुकड़े से बड़ा लग रहा था। उसे लगा कि दूसरे डॉगी के मुंह में बड़ा सा मीट का टुकड़ा है, और क्योंकि वो बहुत लालची था तो उसे लगा मैं ये पीस को कैसे भी करके हासिल कर लूँ। He barked at another dog. आपको पता है जब भी डॉग नाराज़ होते हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं, उसी तरीके से ये उस डॉगी के ऊपर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा ताकि वो दूसरा डॉगी डर के वो मीट का पीस इस लालची डॉगी को दे दे। He thought he would get the bigger piece of meat for himself. उसे लगा ऐसा करने से शायद वो बड़े मीट का टुकड़ा उसे मिल जाएगा खाने के लिए। Next stanza. When he opened his mouth and barked, his piece of meat fell into the river. जैसे ही ये greedy डॉगी ने अपना मुंह खोला और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, उसके मुंह में जो मीट का टुकड़ा उसने पकड़ा था वो नदी में जा गिरा। द पुअर डॉग हैड टू गो होम विदाउट एनी मीट। बेचारा डॉगी, बेचारे को बिना किसी मीट के ही घर वापस जाना पड़ा, वो बेचारा भूखा ही रह गया। He understood that it was not good to be greedy. अब इस ग्रीडी डॉगी ने सबक सीख लिया था बच्चों कि ज़्यादा लालच बुरी बला है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ये एक मॉरल स्टोरी थी बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ऐसे ही और खूब सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज़ के साथ। आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।